कल्याण डोंबिवली के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता मनोज कटके पर सोमवार को कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कुछ अज्ञात लोग मनोज पर पहले मिर्ची पाउडर से हमला करते हुए और फिर उन्हें बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इस हमले में मनोज कटके गंभीर रूप से घायल हो गए और फिलहाल उनका डोंबिवली के शास्त्री नगर अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ता मनोज खटके सोमवार सुबह जब अपनी दुकान में थे, तभी दो लोग आए और उन्होंने यह हमला किया है। हमलावरों ने मनोज खटके को संभलने तक का मौका नहीं दिया। हमले से मनोज खटके के सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोट आई है। मनोज जिले के सोशल मीडिया प्रभारी भी है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को हमले के दौरान इस्तेमाल हुई गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। हालांकि हमलावर अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं कल्याण के पुलिस उपायुक्त सचिन गुंजाल ने बीजेपी कार्यकर्ता मनोज कटके के हमलावरों के जल्द गिरफ्तार किए जाने की बात कही है।